हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्यूरेटिव होम्योपैथी। जी हां, होम्योपैथी वो साइंस जो कि साध्य और असाध्य रोग में दोनों में सब में काम आ सकती है और जड़ बुनियाद से मामला ख़त्म कर सकती है, बीमारी ख़त्म कर सकती है। ये हमारा जो चैनल है इसका मकसद है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 थ्रू होम्योपैथी। होम्योपैथी के ज़रिए सबके लिए सेहत आम आदमी तक पहुंचाना। ये अभी आज का हमने जो टॉपिक जो चुना है वो एक आम टॉपिक है रोज़मर्रा जिसमें हम परेशान होते हैं, इसका नाम है गाउट, यूरिक एसिड, आर्थराइटिस वाला यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है बदन के अंदर एक्सक्रीट नहीं हो पाता या ज़्यादा बनता है। ये जो हम जो प्रोटीन्स खाते हैं उसके एंड प्रोडक्ट है और वो यूरेट क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके वजह से शिद्दत का जो दर्द होता है, सूजन पैदा होती है, लालपन आता है और हाथ लगाने से दर्द होता है, टेंडरनेस इसे हम कहते हैं। और ये अचानक रात के अंदर शुरू होता है और ये आम तौर पर जो है लोगों में बहुत तकलीफ देता है, बहुत पेन होता है, परेशानी, रोना, बेचैनी, इस किस्म का जो मामला क्रिएट करता है, घर के पूरे लोग जाग जाते हैं, इस किस्म का शिद्दत का दर्द होता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या उपचार है। आप जो है सालों साल से ज़ाइलोरिक नाम की दवा लेते रहे हैं और यूरिक एसिड कम कर जा रहे हैं, लेकिन बीमारी आपकी वहीं की वहीं है। आज हम आपको साधारण तौर के ऊपर किस तरह से ना सिर्फ यूरिक एसिड कम करने का बल्कि साथ साथ में जो है यूरिक एसिड को जड़ों बुनियाद से ख़त्म करने का, दर्द कम करने का, सेहत अच्छी अपनाने का, रिफ्रेश होने का, बेचैनी कम करने का भी हम उपाय रास्ता बता रहे हैं। हम अब दवाई के नाम बारे में जो बताते हैं, आमतौर पर जो दवाई जो इस्तेमाल जो होती है होम्योपैथी में, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहली दवा है कैल्शियम। ये सब जो दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अलामतों के हिसाब से लेना है। कैल्शियम ये स्पेसिफिक दवाई है ख़ास तौर पर यूरिक एसिड के लिए और गाउट के लिए। गाउट जहाँ पर हमारे जो पैरों के अंदर या ख़ास तौर पर घुटने, जो हमारे अंगूठे होते हैं पैर के, उसमें सूज जाता है, उंगलियों में सूजन दर्द होती है, साइड के अंदर दर्द होता है, तो और जहाँ पे सूजन रहती है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो ये कैल्शियम नाम की जो दवाई जो गाउटी जो सिचुएशन हमारा है उसको कम करती है। दीगर और दवाई भी है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड नाम की दवाई है, वो भी साथ साथ में पेशाब की सब शिकायत, अगर पेशाब में बहुत तेज़ बास आ रही है और इस किस्म का दर्द है तो बेंजोइक एसिड बहुत बढ़िया काम करती है 1x पावर के अंदर। कैल्शियम जो टिंचर के अंदर बहुत बढ़िया एक्यूट के अंदर काम करती है। बेलडोना नाम की एक दवाई है ऐसी जहाँ पर बहुत सूजन आ चुकी है पैरों के अंदर, लाल हो गया है, अंगूठा सूज गया है और चीखता चिल्लाता है आदमी, बेचैन हो जाता है, श्रीकिंग फ्रॉम पेन, जो चिल्लाने वाली जो कैफियत जो होती है उसमें बेलडोना नाम की दवाई काम आती है। इसमें एक्यूट में इमिजिएटली आपको रिलीफ देगी। उसके बाद में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन इलाज जो होता है, लाइकोपोडियम नाम की जो दवाई है, रस्टॉक्स है और दीगर जो लेडम पालिक नाम की दवाई है जो बहुत बढ़िया काम करती है इसके अंदर, तो इस किस्म की दवाइयों में ज़खीरा है होम्योपैथी के अंदर। जो ज़खीरा है अगर हमने अलामतों के हिसाब से अगर इसका इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ टेम्परेरी तौर के ऊपर आपको जो का तकलीफ कम हो जाएगी और सिर्फ यूरिक एसिड डाउन होगा, बल्कि यूरिक एसिड की जो बीमारी है कंटिन्यू तौर पर ख़त्म हो सकती है, आप सेहतमंद हो सकते हैं। बाकी जो शिकायतें आपकी जो है साथ साथ में लगी हुई है, जो नींद नहीं आना, परेशानी होना, बेचैनी, ये सब चीज़ में आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आपने अलामतों की बुनियाद के ऊपर सही होम्योपैथिक दवाई का चयन किया। और ये काम जो आप अपने नज़दीक के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के ज़रिए कर सकते हैं। कोई परेशानी अगर आपको रहे तो आप जो हमसे भी रابطہ कायम कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आप फ्लैश हो रहे हैं, आप जो उस पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और सेहत हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।